الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم प्रोफेसर गफूर अहमद साहब मैं सबसे पहले तो इस जिले में रहने वाले जमात इस्लामी के परम प्रोफेसर गफूर मैं बात पेश करता हूँ कि उनकी दिन रात की कोशिशों से इस इलाके में अलखदमत मेडिकल सेंटर कायम हुआ और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने इस सेंटर के क्याम में भरपूर ताबुन किया है मैं फंड जमा किए हैं लोगों के घरों में गए हैं उनसे मावनत की दरखास्त की है इसी तरह इस सेंटर को चलाने और उसे कामयाब बनाने में भी वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। मैं असलम मुजाहिद साहब को भी खुशी बात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जब वो इस इलाके के एमपीए थे तब तो वो इस इलाके के लिए दिन रात काम किया करते थे, इसकी तरक्की के लिए हर वक्त कोशिश रहा करते थे। अब जबकि असेंबली मुअक्कल है और यहाँ के एमपीए नहीं है, इसके बावजूद भी अलखदमत मेडिकल सेंटर की सूरत में उनकी खिदमत की मिसाल आपके सामने है और वो आज भी जबकि असेंबली मुअक्कल है और वो यहाँ के नुमाइंदे नहीं है अवाम का हक नुमाइंदगी अदा कर रहे हैं। हाजरीन कराम, मैं इस बात की माजरत चाहता हूँ कि मैं शायद कोई बहुत अच्छी तकरीर नहीं कर सकता, मुझे फने तकरीर से कोई आशनाई नहीं है। इस मेडिकल सेंटर के हवाले से चंद गुजारिशात पेश करनी है तो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं इस मेडिकल सेंटर के हवाले से इतिहास रखूं, आइए मैं आपके सामने एक छोटा सा वाक्य पेश करता हूं। मैं आपको अपने एक दोस्त से मिलवाता हूं जो कि आप ही के इस इलाके शायद लांडी या शायद कोरंगी का रहने वाला है, मुझे उसके घर का एड्रेस मालूम नहीं है। चंद माह कल वो शख्स मेरे पास आया, वो 25-26 साल का जवान, मेरी तरह का 5.5 फीट का सामली शक्ल का नौजवान जिसका नाम ताहिर अली है। मैं आपके सामने गायबाना तौर पर उससे आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ ताकि आप अंदाजा कर सकें कि रोशनियों के इस शहर कायद में 1.25 करोड़ की आबादी के इस शहर में मतवसित तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद किस तरह मुश्किलात में अपने शब रोज बसर कर रहे हैं, किस तरह मेरे पास रेफर किया था और खामोशी से मेरे सामने आके बैठ गया। मैंने उससे पूछा कि किस सिलसिले में तशरीफ लाए हैं, तो उसने कहा कि वो एक प्लम्बर है और उसके वाले साहब को जिनका नाम सादर अली था उनके गुर्दे फेल हो गए हैं और वो उनके इलाज के सिलसिले में मारा फिर रहा है और उसी सिलसिले में वो मेरे पास आया था ताकि मैं जिस इदारे में मैं काम कर रहा था वहां से उसकी कोई इमदाद करा सकता। मैंने उससे मालूमात ली तो अंदाजा हुआ कि उसकी माहाना आमदनी 4,500 से ज्यादा नहीं है। उसने मुझे बताया कि उसके वालिद को चंद माह कब बुखार हुआ, उन्हें पीलिया हुआ और जब वो डॉक्टर के पास लेकर गए उन्होंने कुछ टेस्ट कराए और कुछ दिनों बाद ये इंकशाफ किया कि उसके वालिद साहब जिनकी उम्र बमुश्किल 52-53 साल थी उनके दोनों गुर्दे नाकारा हो चुके हैं, गुर्दे फेल हो चुके हैं। ये खबर उस पूरे खानदान पर एक कहमत बनकर गिर गई कि हट्टा कट्टा सेहतमंद आदमी उसके गुर्दे अचानक से फेल हो गए हैं। ताहिर अली को तो मालूम भी नहीं था कि शहर में किन अस्पतालों में इस मर्ज का इलाज होता है, इलाज होता भी है या नहीं होता। उसने शहर के तमाम सरकारी अस्पतालों के चक्कर लगाए
डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हारे बाप को डायलिसिस की जरूरत है। उन्होंने पूछा कि डायलिसिस क्या होता है। डॉक्टरों ने कहा कि एक मशीन पर गुर्दे की सफाई होती है। हाजिर कराम कराची में 1.25 करोड़ की आबादी के शहर में 6 बड़े सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस की सहूलत फराहम की जाती है। 84 मशीनें थी, उसे दो मशीनों के तादाद भी याद हो गई थी। उन सरकारी अस्पतालों के नाम और उनके डॉक्टरों के नाम भी याद हो गए थे। उसने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब 84 मशीनें हैं, 30-40 डॉक्टर खराब रहती हैं, कभी केमिकल नहीं मिलता, कभी डॉक्टरों की छुट्टी होती है। एक बड़े सरकारी अस्पताल में हो गया तो वहां के डॉक्टरों ने बड़े बड़े स्पेशलिस्टों से कहा कि हम सिर्फ अगर डायलिसिस कराना चाहें तो सिर्फ एक रुपये डायलिसिस कराने का खर्चा 2.5 से 3 हजार रुपये आता है। अब आप अंदाजा करें कि जिस शख्स की माहाना आमदनी सिर्फ 4.5 हजार रुपये हो, वो अपने वालिद का हफ्ते में 2 दफा 2.5 हजार रुपये से डायलिसिस किस तरह कराता। इसलिए कि हमारे इदारे में कुछ बजट की शॉर्टेज थी, मेरे पास भी इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसके इलाज के लिए कुछ मुआवजा कर सकता। बहरहाल उसके आने जाने से एक ताल्लुक बन गया। मैं उसे कई दफा ये कहता कि भाई तुम क्यों यहाँ पर आते, तुम्हें भी कुछ नहीं मिलता। तो उसने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब कम से कम आप तसल्ली तो देते हैं, कम से कम आप उम्मीद तो बनाते हैं। उन बड़े बड़े सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर सिवाय मायूसियों के मुझे कुछ नहीं मिलता। एक रात को मुझे उसने 10-8 दिन मुझे फोन किया और कहने लगा कि क्या आप मुझे कोई ऐसा इंजेक्शन बता देंगे जिसको लगवाने के बाद मेरे वाले साहब बेहोशी की कैफियत में रहा करें। मैंने उससे पूछा क्या जरूरत पड़ गई ऐसे इंजेक्शन की तुम्हें। तो कहने लगा यार डॉक्टर साहब, वाले साहब जब होश में होते हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है, मैं चाहता हूं कि वो होश में ना रहा करें। मैंने उस इंजेक्शन का नाम बताया और उसे कहा कि ठीक है तुम ये इंजेक्शन लगवाओ ताकि तुम्हारे वाले साहब को कुछ तो सुकून मिले। तकरीबन 1 महीने के बाद एक दिन रात को 2 बजे पायल अली का फोन आया। उसने कहा डॉक्टर साहब वाले साहब को आराम आ गया है। मैंने कहा यार रात को 2 बजे तो मुझे फोन करके कह रहा हो कि तुम्हारे वाले साहब को आराम आ गया है, ये तो खुशी की बात है, अच्छी बात है, किस दवा से आराम आया। कहने लगा जी दवा से नहीं, दुनिया ही से आराम आ गया है। और सुबह 9 बजे उनकी जनाजा है, क्या आप उसमें आ सकेंगे। आप अंदाजा कर सकते हैं तो मेरा रिश्तेदार नहीं था, लेकिन एक मुसलमान होने की हैसियत से उससे एक मेरा रिश्ता है, वो मेरा भाई है। बगैर इलाज कराए हुए, बगैर डायलिसिस कराए हुए वो शख्स दुनिया से चला गया। और उस हालत में जो उस बेटे के पास अपने बाप को उसके इलाज कराने के पैसे भी नहीं थे, ताहिर अली ने मुझसे कहा बहुत हल्की सी आवाज में आंसुओं के साथ जो मैं सिर्फ महसूस कर सकता था, मैं आपसे ये शेयर नहीं कर सकता। उसने मुझसे कहा शर्मिंदगी के साथ हल्की सी आवाज में कि डॉक्टर साहब अगर घर में कुछ पैसे हो तो मैं पैसे भी ले आइएगा, इसलिए कि मेरे पास तो अपने वालिद को दफनाने के लिए भी पैसे नहीं है। खैर मैंने सुबह पैसों का बंदोबस्त किया, इसी महल्ले में इसी किसी कच्ची बस्ती में मैं आया। उसके वाले साहब की जनाजा हुई, उसको दफन किया गया। यहाँ बड़े बड़े मौजूदीन बैठे हैं, प्रोफेसर गफूर अहमद साहब बैठे हैं जिन पर बिलाशुबा पाकिस्तान की सियासत को नाज है। यहाँ नेमतुल्लाह खान साहब बैठे हैं जिनकी खिदमत खल्क पर हम सबको फख्र है। मैं उसके बाद ताहिर अली से नहीं मिला। जाहिर है इस मशहूर शहर में
रिश्तेदारों और दोस्तों से कम मुलाकात होती है, उस अनजान फर्द से मुलाकात कहाँ हो पाती। लेकिन आज अल्लाह ताला का शुक्र है, हम सब अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं कि उसने आज मुझे इस काबिल बनाया, आज हम सबको इस काबिल बनाया कि हम ताहिर अली से बात कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आपके तवस्सुल से ताहिर अली को ये पैगाम दूं कि देखो ताहिर अली, सिर्फ और सिर्फ तारीखियां ही इस मुल्क का मुकद्दर नहीं है। रात बहुत अंधेरी है, लेकिन कुछ सितारे भी हैं जो झिलमिला रहे हैं और उनसे रोशनियों का सुराग मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि आप सबके जरिए ताहिर अली को ये पैगाम दूं कि ठीक है, सियासतदान बड़े गंदे हैं, इस मुल्क में बहुत करप्शन है, सरकारी अस्पतालों की हालत खराब है, तमाम इदारे तबाह हो चुके हैं, लेकिन कुछ और लोग भी हैं। आपके सामने बैठे हुए प्रोफेसर गफूर अहमद साहब हैं, निमतुल्लाह खान साहब हैं। मैं ताहिर अली को ये बताना चाहता हूँ और इस मुल्क के सारे अवाम को बताना चाहता हूँ कि ठीक है, ऐसे भी लोग हैं जिनके किरदार पर, जिनके सियासत पर कोई धब्बा नहीं है, कोई आँच नहीं है। इनका किरदार जमात इस्लामी के कायदीन का किरदार, जमात इस्लामी के कारकुनान का किरदार हम सबके लिए मशले राह है। और अगर सरकार देती है और खिदमत इस बात की जमानत देती है, नेमतुल्लाह खान साहब और प्रोफेसर गफूर अहमद साहब इस बात की जमानत देते हैं कि इंशाअल्लाह लांडी और कोरंगी के अवाम का हक नुमाइंदगी हम अदा करेंगे, लांडी और कोरंगी के अवाम को उनके मसाइल और मुश्किलात में तना नहीं छोड़ेंगे। असेंबलियां हो या ना हो, हम हमारे लोग एमपी और एमएनए हो या ना हो, अपना मुजाहिद साहब जो यहाँ मौजूद हैं और ये मेडिकल सेंटर यहाँ मौजूद है, मुतवसित तबके के लोग, तालीम याफ्ता लोग, गरीब और मुस्तहिक लोग जब भी इस मेडिकल सेंटर में आएंगे, रात और दिन उनको सहूलियात फराहम की जाएंगी। उनसे कोई नहीं पूछेगा कि तुम्हारे जेब में कितने पैसे हैं, उनसे कोई नहीं पूछेगा कि तुम्हारा स्टेटस क्या है, क्योंकि हमने इस हॉस्पिटल के अखराज यहाँ के फीसें इतनी कम रखी हैं कि इंशाअल्लाह यहाँ मयारी सहूलियात फराहम करेंगे और बहुत कम चार्जेस के बस फराहम करेंगे। यहाँ जब्बार गाजानी साहब मौजूद हैं, मैं इनसे पहले भी वाकिफ हूँ, इनसे मुलाकात हुई है। अल्लाह ताला बाज लोगों को माल देता है और उसके साथ ही दिल भी देता है। अल्लाह ताला बाज लोगों को गनी बनाता है, वो अल्लाह के बंदों की खिदमत करके खुश होते हैं, वो अल्लाह के गरीब बंदों की अपने भाइयों की खिदमत में खुशी महसूस करते हैं। इस दुनिया में उस दुनिया की फिक्र करते हैं, इस दुनिया में अपना माल खर्च करके, अपना वक्त खर्च करके आखिरत की फिक्र करते हैं, आखिरत में अच्छी से अच्छी जगह बनाने की बात करते हैं। मैं जब्बार गाजानी साहब से ये दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे पास वसाइल बहुत कम हैं, हमारे पास बाहर से पैसे नहीं आते हैं, हम कोई दुनियादार एनजीओ नहीं है कि बड़े बड़े मुल्कों के खजाने हमारे लिए खुल जाए। हम तो यहाँ बैठे हुए अपने जैसे गरीब लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं, उनके घरों पे जाते हैं, उनसे खाने जमा करते हैं, उनसे थोड़े थोड़े पैसे जमा करके इस तरह के मेडिकल सेंटर और कराची में जो हमारे दीगर इदारे चल रहे हैं उन इदारों को चला रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपको माल दिया है, अल्लाह ताला ने आपको दिल दिया है। हम इस मेडिकल सेंटर में अवाम के लिए, उन लोगों के लिए जो परेशान हाल हैं, उनके लिए जो मुसीबत ज़्यादा हैं और इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं, हम चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी सहूलियात फराहम करें। हमें इस हॉस्पिटल को मुकम्मल करने के लिए यहाँ एक्सरे मशीन की ज़रूरत है, यहाँ एक अच्छी क्वालिटी लेबॉरेटरी की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर यहाँ के आवाम को डेंटल क्लिनिक पर सहूलियात फराहम भी करें। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जो भी आपके बस में हो, जितना भी आपके बस में हो, आप इस मेडिकल सेंटर का दौरा करें। हमने इसको बना दिया है, मगर इसको चलाने के लिए हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि लोग आएं और हमारे साथ मावनत करें ताकि हम इस मिशन को मुकम्मल कर सकें। इंशाअल्लाह लोगों की मावनत हमारे साथ रही, लोगों का तावन हमारे साथ रहा और अल्लाह ताला ने अपना करम किया तो इंशाअल्लाह लांडी और करंगी के अवाम ये देखेंगे कि अलखिदमत मेडिकल सेंटर न सिर्फ इंतहाई मयारी सहूलियात फराहम करेगा, बल्कि वो इतने पैसों में ये मयारी सहूलियात फराहम करेगा जो कि उनके बस में होंगे, और जो लोग ये फीस अदा नहीं कर सकेंगे इंशाअल्लाह उनका इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाएगा। मैं आप सबका बेहद मशहूर हूँ, शुक्रिया।